Done. फूल भी आ गए, रंगोली भी बन गई, दिए भी जला लिए और समय से तैयार भी हो गए। और लक्ष्मी पूजा का टाइम है, लक्ष्मी पूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छा खाना नहीं तो लक्ष्मी पूजन में मैं अपने घर में सबसे पहले चूल्हे की पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरी लक्ष्मी तो यही है और एक्चुअली घर की लक्ष्मी भी यही। तो इस लक्ष्मी पूजन में एक घर की लक्ष्मी की पूजा जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो 3 रेसिपी बना रहा हूं ना, ट्राई जरूर कीजिएगा। एंड हैप्पी दिवाली। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। महाराष्ट्र की एक रेसिपी है, पंजाब में भी कई जगह बनती है, इसलिए मैं बहुत रिलेट करता हूँ इसके साथ। इसलिए इस दिवाली पे कणके से दीवे, मतलब गेहूं के आटे के दिए जो कि खाए जा सकते हैं। दीवे के लिए सबसे पहले चाहिए आटा, चाशनी नहीं बना रहा मैं, सिर्फ गुड़ को घोल रहा हूं, यूं कह लीजिए पानी में, ताकि बराबर से उससे गूंध जाए। बहुत गाढ़ी चाशनी होगी तो आटा पानी नहीं पिएगा। हमारे घर में एक कल्चर था कि जब पूजा हो जाती थी तो दिए से बुजुर्गों की याद में आरती होती थी और उसके बाद वो कपूर जला के जो दिए होते थे 6-7 वो बाहर रख दिया था। और कई बार पूरे के पूरे दिए कौवे ले जाते थे तो शाम को खीर नहीं मिलती थी, कई बार 1-2 दिए कौवे ले जाते थे, बट कौवे का ले जाना अच्छा माना जाता था कि बुजुर्ग आए और उन्होंने वो भोग ले लिया, ये माना जाता था। तो हम लोग बच्चे ना बड़े ध्यान से रखवाली करते थे कि शाम को अगर दीवे की खीर खानी है तो कौवे ना आए। गुड़ को पिघलाना भर है बस, मतलब 1.5 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा। अब इसको कर लेता हूं ठंडा। बस गुड़ के पानी में ना आटा गूंद लेना है, पर थोड़ा टाइट रखना है इसको, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत टाइट रखना है इसको। सूजी की खूबी क्या है ना, सूजी धीरे 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 पानी सोखती रहती है। इस दिवाली कोशिश करिए कि गुड़ की मिठाई ज्यादा बनाए। वो क्या है ना, शक्कर से गुड़ भला, गुड़ से गन्ने का रस और गन्ने के रस से गन्ना। अब मैंने सिर्फ देखा है अपनी दादी को ये शेप बनाते हुए, कभी बनाई नहीं है, तो आज मैं खुद ही पहली बार ट्राई करूंगा। इससे पहले ऐसे कप बनाना है, जहां तक मुझे याद है, फिर कप को ऐसे बैठा दिया जाता था तो फिर उसकी बना ली जाती थी कटोरी। खूबसूरती के लिए हल्के हल्के निशान और फिर ऐसे दिए को शेप दे दी जाती थी। अच्छा एक चीज और, इसमें ना नीचे ऐसे हल्के हल्के बारीक बारीक छेद कर रहा हूं, उसका कारण बड़ा सिंपल है कि नीचे थोड़ा मोटा है ना तो पकने में टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से पक जाए और नीचे से कच्चा रह जाए। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। और ये हमारे दिए स्टीम होने के लिए, तो मुझे लग रहा है कम से कम 10-12 मिनट इसको स्टीम होने के लिए लगेंगे। गुड़ का क्या खूबसूरत रंग आया है। तो अब सबसे पहले लक्ष्मी पूजन कर लूं मैं।
पूजा तो हो गई, अब पेट पूजा के लिए दियों का इस्तेमाल करना है ना। अब गुड़ में कंजूसी नहीं। थोड़ा घी, अब जो इसका आटा हमने गूंधा था उसमें बिल्कुल घी नहीं गया, तो एक किस्म से समझ लीजिए कि आटा भी रूखा है और सूजी भी रूखी है, तो घी इसको चाहिए। तो घी डाल के अगर छोड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे घी सारा जो आटा ही पी जाएगा। ओए होए, घी पड़ता है तो वैसे ही ओए होए निकल आती है मेरी। ओए होए होए, तो इमेजिन कीजिए दिवाली का दिन है, आपने इन दियों में लक्ष्मी पूजन किया है और उसके बाद मेहमान आने वाले हैं, लेकिन आपने गुड़ और घी डाल के दिए रख दिए। जैसे ही वो आएंगे तो वैसे ही ये दिए लेके या तो उनको बराबर अच्छे से मैच करके दे दीजिए या हर एक को बस एक दिया दे दीजिए। पूजा की पूजा और पेट पूजा की पेट पूजा। तो अब एक काम कीजिए, रेसिपी देख लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस दिवाली पे आप ये बनाएंगे जरूर। एक पैन में गुड़ और पानी का घोल बना लें, उसमें परात में रखे आटा और सूजी के साथ गूंथ लें। गूंदे हुए आटे को दिए के आकार में बना लें और कांटे की मदद से उसमें छेद कर लें। बनाए हुए दिए को स्टीमर में रखकर 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लें। स्टीम करने के बाद दिए को निकाल कर उसमें कपूर रख कर जला लें। फिर बुझने के बाद इसमें गुड़ डाल लें। एक पैन में देसी घी को गर्म करके बनाए हुए दिए के ऊपर डाल लें। आपके कणके से दीवे तैयार है। तो वो एक और इंग्रेडिएंट जो शुभ है ना, और खास तौर लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ है, वो है सुरन। सुरन या ये जमीकंद, और ये शुभ इसलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे ये दाने दिख रहे हैं ना, तो अगर सुरन उखाड़ लिया जाए और सिर्फ एक दाना भी रह जाए जमीन के अंदर तो सुरन अपने आप उग जाता है। तो लक्ष्मी जी की फेवरेट सब्जी मानी जाती है, बिकॉज जैसे धन होता है ना कि धन अपने आप बढ़ता है अगर अच्छे से रखा जाए, सुरन भी वैसा ही। तो लक्ष्मी पूजन पे सुरन बनाना जरूरी है। सुरन के कबाब, तो अगर तो सरसों का तेल है तो बहुत अच्छा, लेकिन हाथों में भी तेल लगाना है और छुरी में भी। लखनऊ में जो कायस्थ समुदाय है ना, वो सुरन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुरन में ये रेशा दिख रहा है ना, ये तो आदमी को लगता है कि मैं मीट खा रहा हूं। तो अब सुरन को मैं डाल देता हूं 5 लीटर के कुकर में। नमक बिल्कुल, थोड़ी सी मिर्च, मामूली सी हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल, बस इसको 2 सीटी दे दूंगा और 2 सीटी के बाद कबाब तैयार। नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कबाब के लिए मिर्च काट लेता हूं एकदम बारीक। बस यहां पर हमारा काम था सुरन को गलाना। इसको बराबर से मैश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लखनऊ में जो कबाब बनते हैं वो एकदम मुंह में गलने चाहिए, तो अगर मुंह में नहीं गल रहे तो फिर कबाब नहीं हो सकता। अगर दिवाली पे अपने मन का खाना और वो डिश नहीं बनाई जो दिल को छू जाती है तो फिर कब बनाएंगे। दिल को छूने की बात से याद आया, देसी घी डाल दिया मैंने, चाहे तो इसमें शाही जीरा भी डाल सकते हैं, नहीं तो सफेद जीरा।
बारीक कटी हरी मिर्च, नमक और अदरक और लहसुन। अदरक ज्यादा, लहसुन कम, मतलब अगर एक चम्मच अदरक है जो कि है इसमें, सिर्फ आधा चम्मच लहसुन। इसको ना भूनना बराबर से। जावित्री और इलायची का पाउडर, और चाहे तो बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब इतने सारे में एक चुटकी चाट मसाला डाल सकते हैं। पता नहीं चलेगा आपने डाला हो, लेकिन हल्की सी खटास आ जाएगी, और नहीं तो थोड़ा सा नींबू का जूस। अब इसमें हल्की सी मिठास चाहिए। बस अब इसको देना है धुआं। धुआं देने के लिए ये चपाती, चपाती पे थोड़ी काली मिर्च और ये कोयला। चाहे तो काली मिर्च की जगह लौंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर सुरन के साथ काली मिर्च का फ्लेवर बड़ा अच्छा जाएगा। और ये धुआं, बस जो प्रोसेस है इसे धुंगार कहते हैं। खासतौर वो कबाब जो ऐसे मुंह में गल जाते हैं उनमें धुंगार दिया जाता है हमेशा। आहा, आ गया धुएं का फ्लेवर। एक चम्मच घी डाल के आखिरी बार गूंध लेना है इसको बस, ताकि घी जो है वो रच जाए। अब छोड़ दिया ना उसने घी, तो पनीर, नमक, धनिया, नमक और पनीर, डन। तो ये छोटी छोटी टिकिया बना के रख लेते हैं पहले। ये कबाब लिया, इसके अंदर ये फिलिंग डाली और इसको बंद कर दिया। ये बस ऐसे गोले बना के अच्छा, इसमें भुने चने का बेसन भी डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन उससे क्या है कि सुरन के टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो यहाँ पे अगर कबाब थोड़ा बहुत खुलता है खुलने दीजिए, जब पलटेंगे तो अपने आप बराबर हो जाएगा, लेकिन बेसन वेसन मत डालिए। तो इस बार शुभ दीपावली पे शुभ सुरन के साथ ये शुभ कबाब जरूर बनाइएगा, और आप पक्का पक्का बनाएंगे तो मुझे फोन जरूर करेंगे या मैसेज जरूर करेंगे, ये मेरी गारंटी। शुभ दीपावली, शुभ सुरन, शुभ कबाब, एक बार शुभ रेसिपी भी देख लीजिए। हाथों और छुरी पे तेल लगाकर सूरन को टुकड़ों में काट लें। उसके बाद उसको कुकर में डालकर उसके ऊपर पानी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सरसों का तेल डालकर कुकर में दो सीटी लगने दें। सूरन को कुकर में से निकालकर छान लें और इसे मैश कर लें। अब एक कढ़ाई में देसी घी, शाही जीरा, मैश किया हुआ सूरन को साथ में भून लें, और उसके बाद हरी मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर उसको एक साथ मिलाकर उसके ऊपर जावित्री और इलायची का पाउडर और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें गुड़ का पाउडर डालकर एक चपाती को कढ़ाई के बीच में रख दें, और ऊपर से काली मिर्च, कोयले का टुकड़ा और देसी घी डालकर उसको धुंगार दे दें। अब सूरन के मिश्रण को निकालकर उसमें देसी घी लगाकर उसको मैश करके इसकी टिक्कियां बना लें। टिक्कियों में पनीर, धनिया और नमक का मिश्रण भर दें। टिक्कियों के गोले को देसी घी में तलकर उसको एक प्लेट में पुदीने की चटनी और धनिया पत्तों के साथ परोसें। आपके सूरन के कबाब तैयार हैं। मुझे पता है आप सबका ना दिमाग चलना शुरू हो गया कि रणवीर अब बूंदी बनाने वाला है। सिर्फ बूंदी नहीं बनाने वाला,
रणवीर बनाने वाला है लोबिये की कड़ी बूंदी। तो सबसे पहले तो लोबिये की कड़ी है तो लोबिया अच्छी होगा, है ना। और लोबिये का बना लेता हूं आटा। तो लोबिये के ऐसे आटा निकालना है। अभी इसके हमने करने हैं दो हिस्से, इसका एक चौथा हिस्सा निकाल लेता हूं, बाकी पूरी बूंदी बना देंगे। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है कि जैसे कुट्टू के आटे में अपने आप उफान आता है ना, वैसे लोबिये के आटे में अपने आप उफान आता है। देखिए, अब ये चीज जो है वो बेसन में नहीं, तो बूंदी अगर गोल बनानी है और बराबर शेप की बनानी है तो बैटर बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी लिजाम बड़ा इंपॉर्टेंट। तलने के लिए ऑयल डाल लेता हूं। इथेनॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल से लड़ता है और दिल को हेल्दी रखता है। कुछ भी लंबा रख लें, चाहे तो जग रख लें, कुछ भी जो कढ़ाई से यूं समझ लीजिए कम से कम 4-5 इंच ऊंचा हो वो रख लें, और बस कुछ नहीं। फिर ये अच्छा, लोबिये की जब बूंदी बनाए थे समझ लीजिए कि लोबिये में जाला बनता है, बेसन में वो जाला नहीं बनता ना, तो इसके लिए लोबिये की बूंदी को थोड़ा पकने दें, क्योंकि अंदर तक पकनी चाहिए। अब कड़ी की बारी। हरी मिर्च को बीच से दो, अदरक का लच्छा काटना है, बारीक बारीक लच्छे। हींग, जैसे हींग भुनी पानी। दही में नमक, और अब लोबिये का आटा या लोबिये का बेसन जो भी कह लीजिए। तो ये समझ लीजिए कि हर आधे लीटर में एक बड़ा चम्मच भर के, 1.25 लीटर है ये, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया लोबिये का आटा। अच्छा, कभी मैं कढ़ी बनाता हूं ना तो एक फॉर्मूला यूज करता हूं, आप भी कीजिएगा। छौंक बनाया, छौंक बनाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें, उससे क्या है जब दही गिरेगी ना तो उसे एक तह मिल जाएगी, तो एकदम से दही जलेगी नहीं, तो कड़ी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बराबर इवन और वो सिल्की आएगा। थोड़ा नमक, थोड़ा सा और खुश हो जाता हूं मैं, 1/2 चम्मच घी डाल के। घी ने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा है वाला? और इसका मजा पता है क्या है? इसका मजा वो है जो अगले दिन खाई जाए। ओहो हो, मतलब सब कुछ भूल जाएंगे आप। है ना एकदम सिल्की। मेरे को भूख लगी, मैं जा रहा हूँ चावल ढूंढने। आप एक काम करो, आप रेसिपी देख लो, क्योंकि आपको भी भूख लग रही है, अंदेशा है मुझे। सबसे पहले लोबिये को मिक्सर में डालकर पीस लें, और फिर उसको छन्नी से छानकर लोबिये का आटा निकाल लें। अब एक कटोरी में थोड़ा सा आटा अलग से निकाल कर पानी के साथ गूंद लें। अब एक कढ़ाई में तेल डालें और गूंदे हुए आटे को जाली वाली छन्नी के मदद से निकाल कर तल लें। थोड़ा तल जाने के बाद बूंदी को छन्नी के मदद से कढ़ाई में से निकाल लें। अब कढ़ी बनाने के लिए एक पतीले में देसी घी, जीरा, अदरक और हरी मिर्च, हींग और पानी डालकर मिला लें। एक कटोरी में पानी, दही, नमक और लोबिये का आटा डालकर मथनी में मिला लें।
लें और फिर इसे पतीले में डालकर थोड़ा नमक और देसी घी डालकर मिला लें। एक मटके में करी को निकालकर उसके ऊपर बूंदी डाल के परोसें। आपकी लोबिये की बूंदी तैयार है। दिवाली के दिए वो उम्मीद देते हैं कि सुख समृद्धि बस उस पार है, बस बहुत नजदीक। और मैं इसी उम्मीद में कि आप अपने उन जायकों का जो मैंने आपके सामने रखे हैं मजा जरूर उठाएंगे इस दिवाली में, चखिएगा जरूर, क्योंकि घर सा यमी स्वाद सब जगह नहीं मिलता, सिर्फ घरों में मिलता है। मैं हूं रणवीर ब्रार और मेरी तरफ से आप सबको शुभ दीपावली।